दे देश में आसमा, पुत्र मैंने जो गलतियां की हैं वो माफी के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं हम कैसे भूल गए कि जो लड़की इस घर की सुख शांति के लिए जमीन आसमान एक कर सकती है, वो इस घर के लोगों को दुख कैसे पहुंचा सकती है। हमने बहुत गलत किया तेरे साथ पुत्र, हमें प्लीज माफ कर दे। नहीं मुझे, गलतियां तो इंसानों से ही होती है, बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग गलतियां करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने गलती की, और कुछ गलती करके भी नहीं मानते। उस वक्त तो आपको भी नहीं पता था, आपको जो दिखाया गया आपने उसे सच मान लिया, पर अब मुझे पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचना। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे और हानिया को एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे मेरी फैमिली वापस मिल गई है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जीवन देना पुत्र, जीवन देना, जीवन देना। बस खुशियों का माहौल है, प्रजाएं दी आपकी करो। कांग्रेचुलेशंस, दूसरी भी बेटी हुई है। वी आर सॉरी, आपकी बच्ची नहीं रही। आनिया पुत्र, इसलिए मेरे पास इतनी बढ़िया डॉल है, आज से ये तेरी। क्या हुआ आसमा, क्या बात है? मेहर को लेकर टेंशन हो रही है अरमान, आज जो कुछ भी हुआ उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम आने से ज्यादा प्यार करते हैं। अरमान, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, हम मेहर को ऐसा नहीं फील होने दे सकते कि तुम बढ़ गए हो क्या, फिर तुम उससे कम प्यार करती हो। आसमा, तुम ना ज्यादा ही सोच रही हो, बच्चे हैं ऐसा होता रहता है, देखना तो थोड़ी देर में सब भूल जाएंगे और खेलने लगेंगे। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना, भले हमारी एक बेटी हमसे दूर हो गई हो, लेकिन रब ने हमें मेहर दी है, और पता है जब से मुझे मेहर मिली है ना, मुझे मुझे ऐसा कभी लगे ही नहीं कि वो मेरी अपनी बेटी नहीं। जब से उसे पाया ना, मेरी अपनी बेटी लगी है, और हम उसी को अपनी बेटी मान लेते, फिर तो कोई जिंदगी में कमी नहीं है ना। आज हमें हमारी हानिया मिली है, तो इस खुशी में हम सब केक काटेंगे, क्योंकि तो हमारी हानिया को केक बहुत पसंद है ना पुत्र? दादू, मुझे बहुत मजा आ रहा है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है पुत्र, हमारी गुड़िया घर जो आ गई है। वाह भाई वाह, खुशी की बात तो है ही, हमारे घर में तीन तीन बेटियां हैं,
अब तीनों मिलकर केक कट करेंगे, है ना आन्या? मेहर आजो, बाबू केक कट करेंगे, आजो आजो खुशी आप भी। जी मैं क्या, ये हुई ना बात, मुझे काटो जी काटो, अरसा हो गया मीठा खाए जी। अरे भाई आज हानिया का दिन है तो हानिया केक काटेगी, मेहर और खुशी फिर किसी दिन काट लेंगे। डैडी जी आजा पुत्र, लो पकड़ो। बहर, ये क्या पता बिजी है? महर, क्या हुआ? चलो हम लोग अंदर चलते हैं, कुछ खेलते हैं, आज कोई बात नहीं, चलो ओके। क्यों फेंक दिया? मैं तो उसके साथ ही केक काटने वाली थी और सबसे पहले उसी ही खिलाने वाली थी। अरमान, तुमने देखा? मैं तुम्हें कह रही थी ना, मेहर इनसे क्यों हो रहा है? वो हन्ना के आने से खुश नहीं है। अरमान, आसमा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर इस सब में ना मुझे आलिया का हाथ लगता है, वही मेहर को पुट्ठा सीधा पढ़ा रही है। अरमान तुम कैसी बात कर रहे हो, आलिया क्यों करेगी ये सब? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आलिया को जानती नहीं हो। दूसरों को खुश देख के ना उसके आंसू निकलते हैं। आसमा तुमने देखा नहीं कैसे मेहर को उठा के ले गई और हम सबको किसी को बोलने नहीं दिया? जितना मैंने आलिया को ऑब्जर्व किया है वो सच में बदल चुकी है, वो क्यों करेगी ये सब? आसमा ने बंदे की ना आदतें बदल सकती हैं, फितरत ने, और उसकी फितरत में झूठ है, मक्कारी है, और मैं ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता वो मेहर के आस पास भी रहे। शांत हो जा मेहर, अरमान मेहर ने उसको धक्का मारा है। आलिया अपनी झूठी हमदर्दियां अपने पास रखो, मेहर और बाकी घर वालों से दूर रहो। मेहर को यहाँ क्यों लेके आई? हाँ अरमान मैं बस मेहर को प्लीज। आलिया कुछ नहीं सुनना मुझे, बच्चों का ख्याल रखने के लिए ना मैं और आसमा है, तुम बस घर में रहो खाओ पियो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो बेटा। अच्छा आलिया आई एम सॉरी, अरमान की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है आलिया। हानिया के आने के बाद खुद को सबसे दूर महसूस कर रही है, ऐसी फीलिंग एक मासूम बच्चे के दिमाग के लिए ठीक नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे सिचुएशन हैंडल करूं। तुम प्लीज अरमान की बात का बुरा मत मानो, मैं मेहर को देख के आती हूँ। नहीं आपने आन्या को गलती से मार दिया ना, क्यों इतने परेशान हो, क्या हुआ है मुझे तो बताओ। उसको ये बात नहीं समझ में, क्या हुआ है? आप प्लीज आंसर करें, आपने सच में मारा उसे? आसमान क्या कर रही हो, धक्का क्यों मारा मेहर को? अरमान दादू हम तो मेरी कोई गलती नहीं है, हादिया ने पहले मुझे मारा था और मैंने जानबूझ के टॉय नहीं फेंका था उसके ऊपर, खेलते खेलते लग गया।
आनिया की मम्मा मार ही नहीं रही है बाप दादू, और मुझे अभी धक्का दिया इन्होंने। कभी कभी बच्चों को डांटना होता है, इट्स इम्पोर्टेंट। मैंने मेहर को धक्का नहीं दिया है माँ। तो क्या मेहर झूठ बोल रही है? हालत देखो इसकी कितनी घबराई हुई है। कोई ना, वो तो डैडू आ गया ना, सब ठीक है। आसमा देखो, मुझे नहीं पता गलती हानिया की है या मेहर की, पर तुम्हें ऐसे मेहर को धक्का नहीं देना चाहिए था। मैंने नहीं दिया, प्लीज।